अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वाह, पूरा परिवार कितना खुश है नंदसुमन बाबू। बहुत बड़ा दिन है राय बहादुर खानदान का। आपके लिए उनके मन में प्यार देख के ना बताइए कोई कह सकता है। अभी कल ही इस परिवार की जो मुखियाइन है वो आपको पराया खून बता रही थी। अगर आपको अपना जुबान पे लगाम नहीं देना आता है, अपना मुंह बंद नहीं रख सकती हैं आप, तो चलती बनिए। रास्ता ना भी है ना अपने घर का। कहे कि हमको ना अपने घर में दरार नहीं चाहिए बुजी। हाँ दीदी छोड़िए ना, बड़े जोरों की भूख लगी है, चलिए ना चल के खाना खाते हैं। अंशुमन तुम्हारे लिए हमने तुम्हारे पसंद की कचौड़ी बनाई है। नंदिनी आरती चलो चल के सबके लिए खाना लगाओ। आप सब लोग चलिए, मैं फ्रेश अप होके आता हूँ। अंशुमन तुम्हारे कारण हम पर थप्पड़ उठा है, आज हम तुमको ऐसा मजा चखा के रहेंगे कि होली के सारे रंग फीके पड़ जाएंगे। अच्छी थी ठंडी, एक और मिल सकते क्या? एक प्लीज 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 सारा जी, ठंडाई ज्यादा नहीं पीना चाहिए, मन खराब होता है और जुलाब भी लग जाता है, बता रहे हैं। दो कुछ और खा लो। जा ये लीजिए, बोले थे ना कहाँ फंस गए, चाहिए। आओ, अंदर आओ। होली मुबारक हो भैया, आप घर के बड़े हैं, आज होली के दिन हमारी सारी गलतियों को माफ कर दीजिएगा। तुम्हें भी होली मुबारक हो और पुरानी बातें भूल जाओ, बस आरती का ख्याल रखना। जी मैम, आपके लिए ये ठंडाई लाए हैं। रख दो, मैं जरा हाथ मुंह धो के आता हूँ। जी हेलो, हमारे होते हुए अब अंशुमन जी के साथ कोई साजिश नहीं रच सकता।
हो गया खेला, सौरभ बाबू ने भांग पिला दिया। अब जब भांग का नशा चढ़ेगा, अंशुमन के मन का गुबार बाहर आएगा और फिर पक्का वो खून खानदान का बात करेगा। फिर देखिए कैसे होता है तमाशा। नंदन, नंदन, परिवार इतनी मुश्किल में, लेकिन फिर भी सौरभ जीजू अपनी हरकतों से पास नहीं आ रहे। दादाजी, बिग बी कहाँ रह गए? बिग बी चलिए ना, सब नीचे आपको वेट कर रहे हैं। मैं इस घर का बेटा हूं। हाँ मैं, ये बिग बी भी घर के बेटे हैं, लेकिन मैं तो आपका बेटा हूं ना। हाँ क्या, फिर भी माँ मैं हमेशा आपका सेकंड चॉइस क्यों रहता हूँ? आखिर बिग बी के ही कहने पर मुझे माफी क्यों दी जाती है? सुमन, सुमन का पति था मैं, वो भी बिग बी को मिल गया। अब तो सबको क्लियर हो गया ना दादाजी, क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया कि बिग बी इस घर के बेटे नहीं है। तो मुझे सच बता दो ना माँ कि वो किसके बेटे हैं, कहाँ से आए हैं वो, उनका क्या अस्तित्व है? हाँ बता दीजिए उन्हें कि देखिए ना कितने परेशान रहते हैं बिग बी, मेरे बिग बी लगते ही नहीं है। आखिर कौन है वो, कहाँ से आया, आखिर क्यों, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया वो जन्म देते ही उन्हें छोड़कर चले गए। बताओ ना माँ, किसका खून इनके अंदर है, कौन है इनकी असली माँ, क्या अस्तित्व है इनका? माँ माँ बता दो ना उन्हें, सच बता दो। देखो ना कितने टेंशन में है वो, पृथ्वी के अंदर भी ये सारे सवाल होंगे, लेकिन वो नहीं कहेंगे, वो इस घर के राम बेटे हैं, इसलिए सब शहर है। माँ बता दो उन्हें, सच बता दो। माँ बता, सुमन जी और सुरभि माँ दोनों के लिए नंदन ने ये कैसी दुविधा खड़ी कर दी है। समझ नहीं आ रहा कैसे नंदन को रोके। हे भोलेनाथ जी, आप ही कुछ कीजिए।